और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पाइसेस मीन राशि फल सितंबर 2020 के लिए, कि सितंबर मंथ मीन राशि के लिए क्या न्यू चेंजेस लेके आने वाला है और क्या न्यू ग्रोथ लेकर आने वाला है लाइफ में, लव लाइफ में क्या न्यू चेंज लेकर आने वाला है और मीन राशि को क्या डिसीजंस लेने चाहिए क्या नहीं लेने चाहिए, ये हम जानेंगे टैरो रीडिंग के थ्रू। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है तो जरूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो, और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। मुझे ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और ये सन साइन बेसिस पर होती है तो अकॉर्डिंग टू योर सन साइन आप ये चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइसेस मीन राशि फल सितंबर 2020। पाइसेस मीन राशि सितंबर मंथ की एनर्जी मुझे पॉजिटिव ही बता रही है, बट ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप मन से थोड़ा परेशान दिख रहे हैं और सभी चीज़ों को लेकर, अपनी लाइफ की सभी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं उस वजह से आप परेशान हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं लव लाइफ को। मैं देखूं तो लव लाइफ में ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है और पास्ट लाइफ कार्ड और नाइन ऑफ स्वॉर्ड मुझे यहाँ पे, दोनों कार्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पे यही दिखा रही है कि शायद पुराना ही कुछ प्रॉब्लम है या पुरानी ही कुछ यादें हैं जिनसे अभी तक आप बाहर नहीं निकल पाए हैं। और अभी सितंबर में न्यू लव आने वाला है और बहुत ही अच्छा लविंग केयरिंग पार्टनर आपको मिलने वाला है, और यहाँ मैं देखूँ तो इस एनर्जी से आप बाहर सितंबर में निकल जाएंगे, 100% निकल जाएंगे। जो भी आप सोच रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऑफर अभी भी है, जो भी अनमैरिड है, अगर कोई ऑफर आया है तो आपको लेना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर होगा। आप खुद अपने मन से दुखी हैं, अगेन नाइन ऑफ पेंटेकल्स की मुझे एनर्जी यही दिखा रही है कि आप अपने मन से दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कमी यहाँ पर है, लेकिन आप अपने मन से बहुत परेशान हैं, चीजों को इजीली ले नहीं रहे हैं। शायद आपको पास्ट में कोई धोखा मिला है तो आपको ऐसा लग रहा है कि फिर से मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, लेकिन नहीं, सितंबर में ये एनर्जी चेंज होने वाली है। पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और हम एक और कार्ड पुल करेंगे कि एनर्जी क्या चेंज आने वाला। वाह, बियॉन्ड इल्यूजन, सेकंड चांस आपको मिला है। सेकंड चांस मुझे ये दिखा रहा है कि हाँ, सही में शायद पहले आपने धोखा खाया है, वो भी पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक इश्यू था, इस वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर आई थी। और लेकिन सितंबर में ये बिल्कुल चेंज होने वाला है, फिर से एक न्यू लव आपका वेट कर रहा है सितंबर में। कुछ न्यू लविंग एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है जो कि आपकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा बेहतर बना देगी। फिर आपको कुछ भी नहीं सोचना रहेगा कि पास्ट का क्या था और क्या नहीं था, वो आपको भूल जाना चाहिए। बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड मुझे यही दिखाता है कि जो गया वो भी पास्ट का कर्मा था और जो आने वाला है वो भी कार्मिक ही है, लेकिन वो पॉजिटिव लेकर आने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाला है आपकी लाइफ में। और लविंग एनर्जी है, एस ऑफ कप के साथ ये कार्ड आया है, मीन्स बहुत ही लविंग एनर्जी आई है और हो सकता है कि ये एनर्जी लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहे। अकॉर्डिंग टू योर वर्क मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ न्यू ऑफर्स सितंबर में आ सकते हैं, जॉब को लेकर न्यू ऑफर आ सकते हैं, अपने काम में कुछ न्यू ग्रोथ होती भी मुझे दिख रही है, और सितंबर में कुछ न्यू जरूर आपके पास कुछ आएगा। और बहुत मेहनती मेहनत आप कर रहे हैं और अच्छे से मनी में भी आपको सक्सेस मिल रही है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है मनी मैटर बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पा रहे हैं और अपने बिजनेस में ग्रोथ करते हुए आप मुझे सितंबर में नजर आ रहे हैं। ओवरऑल रीडिंग में देखूं तो सब कुछ होने के बाद भी अच्छा न्यू लव मिलने वाला है, कुछ सेकंड चांस आपके पास आ रहा है और प्रॉस्पेरिटी भी मुझे दिख रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में दुख है किसी चीज को लेकर, कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने ऐसा थॉट प्रोसेस अपना बना लिया है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हर चीज बैलेंस होती हुई मुझे सेप्टेम्बर में नजर आ रही है,
तो ये जो हुआ है पास्ट का, वो पास्ट लाइफ कर्मा है, उसको रिलीज कर देना चाहिए। और जो न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है, या फिर जो पुराना था जिसके बारे में आप गलत सोच रहे थे, थॉट प्रोसेस में बहुत सारे चीजें चल रही थी, वो सब क्लियर होने वाली है। उसी एनर्जी के साथ, उसी पार्टनर के साथ भी आपके सब चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है, और बहुत पॉजिटिवली आप एक दूसरे के साथ फिर से एक बार कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप उस कनेक्शन के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको न्यू पार्टनर सितंबर में मिल जाए। एंजल मैसेजेस भी हम देखेंगे सितंबर मंथ के लिए। एंजल मैसेजेस फॉर पाइसेस, वैक्यूम अवे फियर, पावर एनिमल, यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर। यस, आपको खुद को ही अपनी लाइफ से इस नेगेटिव एनर्जी को डिलीट करना चाहिए और ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल भी, जब आप पॉजिटिव रहेंगे तब ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेगी और आप सेटिस्फाइड होकर खुश रहने लगेंगे। तो प्लीज पॉजिटिवली चीजों को ले, पॉजिटिव थॉट्स में सोचें, तो ही आप पॉजिटिव आउटकम पाएंगे। वैक्यूम अवे फियर, एंजल आपको यही मैसेज दे रही है कि जो भी फियर मन में है, सराउंडिंग में, सिचुएशन में, जो भी कुछ हुआ है, लाइक यहाँ पे पास्ट लाइफ कार्ड भी था, तो जो भी हुआ है उस फियर को हमेशा के लिए आपको निकाल देना चाहिए मन से, और पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब आप इस फियर से बाहर निकलेंगे, अपने एनिमल गार्जियन को, एनिमल गाइड को, स्पिरिट गाइड को जब आप पहचानेंगे कि आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिस जो आप निखार सकते हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसको लेकर अपनी लाइफ में आप लाइफ के अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तब ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मन में जो भी डर है चीजों को लेकर, सितंबर मंथ में रिलीज करना आप कर देंगे, और बहुत पॉजिटिवली आप सोचेंगे, और न्यू चेंजेस आप लाइफ में देखेंगे, न्यू बिजनेस में न्यू ग्रोथ को आप देखेंगे, अपने काम में बहुत मेहनत से आप मेहनत करेंगे और अच्छे रिजल्ट भी आप पाएंगे। कहीं रुका हुआ पैसा अगर था आपका, तो वो सितंबर में आने वाला है। आप फिर से अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ की तरफ लेके जाने वाले हो सितंबर मंथ में। स्टेबिलिटी आने वाली है अपने काम में, बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी मुझे यहाँ दिख रही है। लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। बस पॉजिटिव सोचें और मन से डर को निकालें, और जो चीज आने वाली है न्यू, उसको बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट करें। थोड़ा स्पिरिचुअल भी आपको बनना चाहिए। स्पिरिचुअल पावर जब हमारी लाइफ में होता है, तो बहुत नेगेटिव कर्मा से इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसा कि मुझे ये पास्ट लाइफ कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि कार्मिक इश्यूज आपकी लाइफ में आते रहते हैं, और इस वजह से आप थोड़ा परेशान हो जाते हो। तो एंजल आपको मैसेज दे रही है कि जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, प्लीज आप उनसे उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, थोड़ा स्पिरिचुअल बने, उनके दर्शन के लिए मंदिर में जाएं और उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, ताकि लाइफ में आपको ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, और ओवर थिंकिंग से बचें, खुश रहने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से भी बहुत सही डिसीजंस लाइफ में नहीं ले पाते हैं। तो मुझे यही दिख रहा है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सितंबर मंथ में इस ओवर थिंकिंग को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से निकाल दें, अपने मन से सभी डर को निकाल दें। जो भी लाइफ में अचीव करना है, सिर्फ उसी पर फोकस करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपको रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।